Hi friends, welcome to the desk. Friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे क्लास से फायदा हो रहा होगा. और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी हो सके तो दे दीजिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करने से हमें कुछ पैसे नहीं मिलते, बस मोटिवेशन अप होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द एज सून एज एंड एज वेल एज. ओके फ्रेंड्स, आपने सुना तो बहुत होगा इस्तेमाल एज सून एज एंड एज वेल एज का, हम आज आपको बताने जा रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट. टीचर के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं. एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही, मीन्स जैसे ही या ज्यों ही. जैसे ही टीचर आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं, या टीचर के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, सेम थिंग हुआ कि ज्यों ही टीचर आते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं, ये सेम चीज हुआ. तो हम चाहे जैसे भी बोले लेकिन इंग्लिश एक ही जैसा होगा. ठीक है फ्रेंड्स, टीचर के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो एज टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही टीचर आते हैं, या जो ही टीचर आते हैं, या टीचर के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, एज सून एज टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप. बस इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे, जैसे ही जो ही या आते ही जाते ही करते ही, मीन्स इस तरह से आएगा तो एज सून एज का इस्तेमाल हम करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, पिताजी के आते ही मैं पढ़ने लगा. पिताजी के आते ही, या जैसे ही पिताजी आए, या जो ही पिताजी आए मैं पढ़ने लगा. तो एज सून एज फादर केम, ये पास्ट टेंस में है, मतलब जैसे ही पिताजी आए या पिताजी के आते ही मैं पढ़ने लगा. तो ये हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बना रहे हैं. तो फादर केम, आई स्टार्टेड टू रीड. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही पिताजी आए या पिताजी के आते ही मैं पढ़ने लगा. एज सून एज फादर केम आई स्टार्टेड टू रीड. ओके फ्रेंड्स, पुलिस के आते ही डाकू भाग गए. एज सून एज पुलिस केम डाकू भाग गए, रॉबर फ्लीट अवे. यहां पर हम रन अवे भी लिख सकते हैं भाग जाने के लिए, और फ्लीट अवे भी लिख सकते हैं. पुलिस के आते ही डाकू भाग गए. एज सून एज पुलिस केम रोबर फ्लीट अवे. ओके फ्रेंड्स, जैसे ही टीचर क्लास में घुसे बच्चे खड़े हो गए. तो एज सून एज टीचर एंटर इंटू द क्लास बॉयज स्टूड अप. ये पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है. ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही टीचर क्लास में घुसे बच्चे खड़े हो गए. एज सून एज टीचर एंटर्ड इन टू द क्लास द बॉयज स्टूड अप. ओके फ्रेंड्स, ये था यूज ऑफ एज सून एज. अभी हम सीखेंगे एज वेल एज. मैंने सेंटेंस लिख दिया है, अभी एक एक करके हम समझते जाते हैं. पहला सेंटेंस है, तुम बहरे तो हो साथ साथ अंधे भी हो. मीन्स कोई भी आदमी या कोई भी शख्स जिसमें एक गुण है और साथ साथ कोई दूसरा गुण भी है, गुण हो या अगुण हो, कोई भी हो, मीन्स एडजेक्टिव है, तो उसमें हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं. मतलब एक चीज होने के साथ साथ कुछ और भी है, तो उसमें हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, इसको हम बनाते हुए समझते हैं.
तुम बहरे हो तो हो साथ साथ अंधे भी हो, तो यू आर डेफ एज वेल एज ब्लाइंड, यू आर डेफ एज वेल एज ब्लाइंड। सिर्फ इतना ही करना है कि जैसे सेंटेंस बनता है वैसे हम बनाएंगे यू आर डेफ, एंड उसके बाद साथ साथ के लिए हम मतलब उसके साथ साथ जो भी है एज वेल एज लिखकर हम फिर एडजेक्टिव लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, वह धनी तो है साथ साथ ईमानदार भी है, ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर काफी लोग मतलब गलती करते हैं कि ही एज वेल एज ऑनेस्ट टू लिख देते हैं मतलब भी के लिए, बट ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काफी है। उसे अंग्रेजी आती है और उर्दू भी, ही नोज इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है एज वेल एज का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एज वेल एज मतलब वह मतलब धनी है और ईमानदार भी है साथ साथ। अगर साथ साथ ऐसा बोला जाए कि वह बाइक चलाना जानता है और साथ साथ कार भी चलाता है, मीन्स चलाना जानता है, मतलब कोई भी एक गुण उसके साथ दूसरा गुण या अवगुण कोई भी हो, साथ में बात की जा रही हो कि साथ साथ है, तो उसमें हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एज वेल एज का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।